हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस ऑन ऑपरेशंस ऑन सेट। लास्ट वीडियो में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था, सेट सबसेट पढ़ लिया था हम लोगों ने, पावर सेट पढ़ा था। अब हम ऑपरेशंस देखेंगे। अब ये ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस का मतलब होता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, जैसे हम कोई भी, हमारे पास यहाँ तो हम सेट के बारे में कर रहे हैं, कोई डिजिट्स हैं उनको प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनको डिवाइड कर रहे हैं, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो इसी तरह के ऑपरेशन सेट पे भी लगते हैं, ठीक है? तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट में सबसे पहले आता है, फर्स्ट आता है आपका यूनियन ऑफ सेट्स। अब ये यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है? यूनियन ऑफ सेट्स को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, देखो पहले ये, लेट ए एंड बी बी टू गिवन सेट्स। ए और बी आपको दो सेट दे रखे हैं, ठीक है? देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर ए और बी और बोथ। कि आपके पास ए और बी कोई भी दो सेट है, ठीक है? तो ए और बी का जो यूनियन होगा वो क्या होगा? वो एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट होंगे। वो एलिमेंट कौन से? विच बिलोंग टू, जो कि कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, टू आइदर ए और बी। या तो ए से बिलोंग कर रहे हैं, या बी से कर रहे हैं, या फिर दोनों से बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन्स जो है हमारा ए यूनियन बी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ए सेट ले लिया, इसको यहाँ पे लिया मैंने 1, 2, 3, ठीक है? बी सेट ले लिया मैंने 2, 4, 5, हो गया, ठीक है? अब पहले बात आती है यूनियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, ठीक है? यू से। कैसे? इसको ऐसे लिखते हैं, ए यूनियन बी। अब ये इनके यूनियन का सेट आ गया। तो यूनियन के सेट में क्या होता है? जो यूनियन होता है वो किस तरह बनता है आपका? देखो, जैसे 1 आ गया 2, 3, पहले एक सेट के सारे एलिमेंट लिख लो, लिख लिए। अब दूसरे सेट के एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन जो एलिमेंट पहले आ चुका है उसको हम रिपीट नहीं करते, उसको बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है? जिसको हमने एक बार लिख दिया, तो 1, 2, 3 आ गया। 2 देखा हमने पहले आ चुका है, 4 नहीं आया, तो यहाँ क्या लिखोगे? 4, फिर 5। तो ये क्या आ गया आपका? ए यूनियन बी। आप देख सकते हो ए यूनियन बी में या तो ए के एलिमेंट हैं, बी के भी हैं, और दोनों के भी हो सकते हैं। तो वो क्या होता है आपका? ए यूनियन बी। क्लियर है? ये था आपका यूनियन ऑफ सेट। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, नेक्स्ट से पहले इन्होंने यहां पे प्रॉपर्टीज दी है यूनियन की, ठीक है? तो हम साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज को भी। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज में क्या दिया इसने? सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दिया इसने कि जो आपका ए यूनियन बी होता है वो हमेशा बी यूनियन ए के इक्वल होगा। बिल्कुल होगा कि देखो, आप ए से स्टार्ट कर लो या बी से स्टार्ट कर लो, अगर हम बी यूनियन ए लेंगे तो पहले क्या लिखोगे आप? 2, 4, 5, ठीक है? फिर आया, हमने 1 देखा, 1 नहीं है तो 1 भी लिख देंगे, 2 है आ चुका है तो 2 नहीं लिखेंगे, दोबारा से 3 लिख देंगे। एलिमेंट तो वही आएंगे, सिर्फ इनका क्या है, ऑर्डर चेंज होगा, आगे पीछे होंगे, पर एलिमेंट सेम होंगे, तो वो दोनों क्या होंगे आपके? इक्वल होंगे। तो ए यूनियन बी ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए। फिर आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है? हम पहले ए और बी का यूनियन कर दें, फिर उसके बाद यूनियन ऑफ सी करें। मतलब जैसे हमने पीछे यूनियन बी किया था ए यूनियन बी करके, अब उसको सी से यूनियन कर रहे हो आप लोग, वो किसके इक्वल होगा? अगर हम पहले बी और सी का यूनियन करें, बी और सी का पहले करेंगे और फिर उसका क्या करेंगे, ए के साथ यूनियन, तो ये हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है हमारा? एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। थर्ड में फिर कहता है कि ए यूनियन ए हमेशा क्या आएगा आपका? ए ही आएगा। सिंपल सा फैक्ट है बेटा, देखो ए है हमारा 1, 2, 3, अगर हम ए का ए से ही यूनियन करते हैं तो ए में 1, 2, 3 लिख दिया, एक बार दोबारा से ए को देखना है तो ये तीनों एलिमेंट हम पहले लिख चुके हैं और इनको हम दोबारा रिपीट करते नहीं हैं, तो ए यूनियन ए दोबारा से क्या आ जाएगा आपका? ए ही आ जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है फिर ए यूनियन फाई। ए यूनियन फाई का मतलब, फाई आपको पता ही है, एक एम्प्टी सेट होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर हम ए का और फाई का यूनियन करते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा? ए ही आएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, फाई तो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो आप इसी के एलिमेंट लिखोगे सिर्फ, और वही दोबारा से क्या हो जाएगा सेट के?
इक्वल आ जाएगा। फिर है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, यू को पता ही आपको किसके, यू किसके लिए होता है, यूनिवर्सल सेट के लिए। तो यूनिवर्सल सेट का जब हम ए से यूनियन करेंगे, अब हमें पता है यूनियन में तो क्या आएगा, बड़ा वाला सेट आता है, क्योंकि बड़े वाले सेट में ज़्यादा एलिमेंट होंगे, तो यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा होता है। तो ऑब्वियसली आपका ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू क्या आएगा, आपका यूनिवर्सल सेट आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट में कहता है ये, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी। देखो इसने क्या बोला, समझना है थोड़ा सा बस, कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। इट मीन्स ए में तो क्या है, कम एलिमेंट है, और बी में ज़्यादा है, प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट में होता है कि इसके एलिमेंट तो है ही है, इससे अलग भी होंगे। तो ए क्या है, छोटा सेट है आपका, बी बड़ा सेट है। तो हमें पता है कि यूनियन में तो हमेशा क्या आएगा, बड़ा सेट आएगा। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, आपका बी आ जाएगा। क्लियर है? फिर कहता है कि इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, कि ए क्या है, ए यूनियन बी का सबसेट है, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बी भी ए यूनियन बी का सबसेट होगा ही होगा। अभी हमने एक एग्जांपल किया था पीछे, ए 1 2 3 थे, बी 2 4 5 थे, ए यूनियन बी ये आया था। तो आप देख सकते हो ए में 1 2 3 है और ए यूनियन बी में भी 1 2 3 है, तो ए क्या बन गया, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी बन गया। फिर हमने बी का देखा, इसका 2 है 4 है 5 है, आ रहे हैं इसके तीनों एलिमेंट, सो बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 4 5। ठीक है? और सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया, ये आएगा ए यूनियन बी। क्लियर है? ए यूनियन बी का बी भी क्या है, सबसेट है। तो क्या कहता है, इज दैट ए एंड बी आर बोथ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, दोनों ही उसके क्या होंगे, सबसेट। क्लियर है? फिर कहता है अगर आपका ए यूनियन बी इक्वल टू फाई है, अगर किन्हीं भी दो सेट का यूनियन आपका फाई आ रहा है, फाई मतलब एम्प्टी सेट आ रहा है, इसका मतलब क्या, दो का यूनियन एम्प्टी कब आएगा, जब ये भी आपका फाई है और ये भी आपका फाई, वही जीरो वाला काम है हमारा। अगर हम किन्हीं भी दो डिजिट्स का सम जीरो लिख रहे हैं, अगर उन दोनों का सम जीरो है, इसका मतलब वो दोनों ही जीरो है, क्योंकि जीरो और जीरो का टोटल ही हमारा जीरो होता है। तो ए इक्वल टू फाई एंड बी इक्वल टू फाई, दोनों फाई फाई आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, ठीक है, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड पॉइंट आ गया हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या आएगा आपका, देखो कैसे डिफाइन करता है ये कहता है लेट ए एंड बी बी टू गिवन सेट्स देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इन द सेट ऑफ एलिमेंट्स। क्या होता है, सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, जो कि दोनों से बिलोंग कर रहे हैं, ए से भी और बी से भी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, देखो उल्टा यू मान लो एक तरह से। जैसे हम पीछे वाला एग्जांपल लेते हैं, पीछे हमारा ए क्या था 1 2 3, बी क्या था आपका 2 4 5। तो ए इंटरसेप्शन बी क्या होगा आपका, ए इंटरसेप्शन बी में वो एलिमेंट होंगे जो ए में भी है और बी में है। इट मीन्स दोनों का हमें क्या निकालना होता है, कॉमन लेना होता है। अब कॉमन क्या है दोनों के अंदर, 2 2 आ रहा है ना, तो इंटरसेक्शन क्या बनेगा इसका। क्लियर है? यूनियन में तो क्या होता है, दोनों के एलिमेंट को लेना होता है, ए के भी सारे लेने होंगे, बी के भी लेने होंगे, ठीक है। और लेकिन इंटरसेप्शन में दोनों का कॉमन, सिर्फ कॉमन एलिमेंट होंगे इंटरसेक्शन में। तो ये आ गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, देखो फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कहता है यहाँ पे, फर्स्ट प्रॉपर्टी में कहता है कि ए इंटरसेप्शन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी इंटरसेप्शन ए। सीधा सा फैक्ट है, ए बी का कॉमन कॉमन ही निकल रहे हैं दोनों के, में कॉमन देखना है तो वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। फिर ए और बी में कॉमन निकाल लो, फिर उसका सी के साथ इंटरसेक्शन कर लो, या फिर बी और सी में कॉमन और फिर उसके ए में से चेक कर लो, वो हमेशा क्या होंगे आपके, इक्वल, ठीक है। फिर कहता है ए इंटरसेप्शन ए, ए और ए, ए और ए का तो कॉमन ए ही आएगा, सो ए इंटरसेप्शन ए इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, ए हो जाएगा। ए इंटरसेप्शन फाई, अब आपने, मैंने बताया था कि इंटरसेप्शन का मतलब होता है कॉमन,
अब यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ए और इसमें क्या कॉमन होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर इसमें कुछ एलिमेंट होते तो शायद हम चेक करते कि इनमें कुछ कॉमन होगा, बट यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या आएगा इसका? फाई आएगा। ये हमेशा याद रखना कि ए यूनियन फाई हमेशा ए आता है, और ए इंटरसेप्शन फाई हमेशा फाई आता है, ठीक है। फिर ए इंटरसेप्शन यूनिवर्सल सेट, अब इंटरसेप्शन में तो कॉमन निकलते हैं, यूनिवर्सल सेट तो बड़ा होता है, ए क्या होगा? छोटा। एक बात और दिमाग में रखना कि यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है और इंटरसेप्शन में हमेशा क्या आएगा? छोटा सेट आएगा, ठीक है। तो ए इंटरसेप्शन यूनिवर्सल सेट आपका क्या आएगा? ए ही आ जाएगा। सिक्स्थ है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, अब ए बी का सबसेट है, देखो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, तो ए क्या है? छोटा सेट है। तो ए इंटरसेप्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या आएगा? हमेशा ए ही आएगा, जो छोटा है वही कॉमन आएगा, और यूनियन में हमेशा क्या आता है? बड़ा आता है, ठीक है। फिर है ए इंटरसेप्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेप्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी। अब हमें पता है इंटरसेप्शन में तो कॉमन एलिमेंट आते हैं, इसलिए इंटरसेप्शन वाले जो सबसेट बनते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा सबसेट होते हैं बड़े सेट के, ठीक है। सो ए इंटरसेप्शन बी इज द सबसेट ऑफ बोथ ए एंड बी, कर लोगे। फिर इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज आपकी यूनियन और इंटरसेप्शन जब इकट्ठा आता है, तो फर्स्ट क्या है? इफ ए इंटरसेप्शन बी यूनियन सी, अगर आपका ए इंटरसेप्शन बी यूनियन सी के है दिया हुआ है, तो इसमें हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इट मीन्स हम इनको क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेप्शन बी, ये इसके साथ इंटरसेप्ट, बीच का साइन बीच में, यूनियन ए इंटरसेप्शन सी। वही फैक्ट है बेटा, इस तरह से देखो, जैसे अगर हमें ये दे दिया जाए, आप लोगों ने पीछे पढ़ रखे हैं प्रॉपर्टीज, जैसे कि ये दे दिया जाए ए प्लस बी माइनस सी, ये दे रखे, ठीक है, दे रखा है, और सॉरी इनटू में इनटू कर दिया, ये साइन लगा दिया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए इंटू बी माइनस में ए इंटू सी, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी दोनों के बीच में आ गई, और जो इन दोनों के बीच थी वो कहाँ चली गई? आपके सेंटर में चली जाती है, वही चीज़ है यहाँ पर भी, ठीक है। ए इंटरसेप्शन बी यूनियन सी क्या होगा? ए इंटरसेप्शन बी यूनियन ए इंटरसेप्शन सी। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी है कौन? ए यूनियन बी इंटरसेप्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेप्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन, इंटरसेप्शन में ए और सी का यूनियन, क्लियर है। तो इन ये था हमारा, यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज थी यूनियन की और इंटरसेप्शन की। नेक्स्ट आता है हमारा डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट नाम से ही पता लग रहा है, डिस मतलब जो नहीं हुआ, जॉइंट आपस में नहीं मिले, जो आपस में नहीं मैच मिल रहे हैं वो हो गए डिसजॉइंट सेट। ये कहता है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेप्शन बी इक्वल टू फाई, ए और बी का इंटरसेप्शन फाई है, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन है नहीं है। अगर वहाँ पे कुछ भी कॉमन ही नहीं है तो उनके अंदर जुड़ने का तो कोई कनेक्शन ही नहीं होगा। किसी के बीच में क्या कब कनेक्शन होता है? जब वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। अब इनमें लिंक के लिए कोई मटेरियल ही नहीं है, तो ये क्या होंगे? आपके डिसजॉइंट सेट। जब ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो तो वो सेट कौन से बनते हैं? आपके डिसजॉइंट सेट, क्लियर है। जैसे ए दे दिया ए बी सी डी, बी दे दिया ई एफ जी एच, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों क्या है? ये डिसजॉइंट सेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका? कॉम्प्लीमेंट को मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से समझाती हूँ डेफिनेशन की बजाय, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जैसे इसने डेफिनेशन भी दी हुई है, यहाँ पे देख लो एक बार, क्या कहता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन सेट इज अ सेट विच कंटेन ऑल दोज मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, किसके? यूनिवर्सल सेट के, दैट डू नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट, जो कि गिवन सेट से बिलोंग नहीं कर रहे। तो अब देखो कॉम्प्लीमेंट, ये एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो जैसे कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, वो क्या है आपका? 1 2 3 4 5, ठीक है। एक ए सेट है मेरे पास, ये है 2 3 4, ठीक है। तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको डिनोट करते हैं एक इस तरह के डैश से। अगर मैंने ए डैश लगा दिया,
ठीक है, ए ऊपर डैश लगा दिया, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये क्या है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सल माइनस ए। इट मीन्स क्या करते हैं, यूनिवर्सल के सिर्फ वो एलिमेंट रखेंगे जो कि ए के नहीं है। अब हमने देखा वन, वन ए में है नहीं है, आ गया टू है नहीं लिखा जाएगा, थ्री लिखा नहीं जाएगा, फोर है नहीं लिखा जाएगा, फाइव है नहीं है। तो ये आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमेशा ये दिमाग में रखना कि यूनिवर्सल में से माइनस किया जाता है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया जाता है, वो होता है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। वो सारे एलिमेंट जो कि किस जो जिसका कॉम्प्लीमेंट है ना, उसके एलिमेंट्स को निकाल दो यूनिवर्सल सेट से, वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है, आप आ गया समझ में? तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबसेट ए इन यू। ठीक है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, जैसे आपको यहाँ इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से अच्छे से रीड कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, जैसे यूनिवर्सल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर आपका यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, ए का प्रॉपर सबसेट है, देन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा, फाइव बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर ये इसका प्रॉपर सबसेट बन गया, ध्यान दो यूनिवर्सल सेट हम मानते हैं कि बड़ा लेते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि ए उससे भी बड़ा सबसेट है और यू इसका सबसेट बन गया, मतलब सबसेट में तो कम होते हैं, ए में ज़्यादा रहेंगे। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, जब इसके सारे एलिमेंट इसमें आ चुके और इसमें और भी ज़्यादा है, तो यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं कॉम्प्लीमेंट में माइनस करने के लिए, तो वो इक्वल टू क्या हो जाता है, फाइव हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, बिल्कुल। अभी ध्यान दो आप लोग, हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था, ए निकाला था ए कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करूं तो बताना क्या आएगा, ए क्या है हमारा टू थ्री फोर, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे वन फाइव। ध्यान दो ये क्या आ गया आपका, वापिस से यूनिवर्सल सेट आ गया, तो वो इस किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सबसेट के। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जैसे ए इंटरसेप्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं होता, ठीक है, तो ये फाइव होता है आपका। इफ फाइव फाइव कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल एंड यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट इज फाइव। ठीक है, क्योंकि अगर आप फाइव का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो यूनिवर्सल निकलेगा, फाइव में होता है जितने मैट्रिक एलिमेंट है वो जीरो हो, वैसे तो उसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि सारे के सारे यूनिवर्सल के आ गए, और यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को ही माइनस करना, तो वहाँ जीरो ही बचेगी, तो वो फाइव आ जाता है आपका। ठीक है, फिर कहता है ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हम दोबारा से कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वो हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज द सेट इटसेल्फ, अपने आप वही सेट आ जाता है, कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा इसमें डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या कहता है ये देखो, लेट ए एंड बी बी टू गिवन सेट्स, दो सेट दे दिए इन्होंने, द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, जो कि ए में तो है पर बी में नहीं है, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये देखो, हम एग्जाम्पल से ही करेंगे, एग्जाम्पल से ज़्यादा कंसेप्ट अच्छे से समझ आता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा ए सेट दे दिया इसने टू फोर सिक्स एट टेन, ठीक है, और बी सेट दे दिया इसने वन टू थ्री फोर, हो गया। तो जो ए माइनस बी है, अब ध्यान दो ए में से बी माइनस करना है, ए में से बी माइनस करना है तो सिर्फ ए के वो एलिमेंट लेंगे जो बी में नहीं है, टू देखा हमने है इसमें टू नहीं आएगा, फोर है इसमें सिक्स नहीं है, तो सिक्स एट टेन ये आ गया ए माइनस बी। ठीक है, अगर इसी में हम बी माइनस ए निकाल लें तो जो आगे है जिसमें से आप माइनस कर रहे हो उसके एलिमेंट आएंगे, वन है यहाँ नहीं है आ गया, टू है नहीं आएगा, थ्री नहीं है तो आ जाए ये आंसर। क्लियर है, ये ए माइनस बी ये बी माइनस बी, ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट आ गया आपका। फिर इसमें कहता है आगे है
सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या कहता है, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द यूनियन ऑफ सेट ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। जो आप डिफरेंस निकाल रहे हो उनका जब हम यूनियन कर दें तो वो क्या बन जाता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। और इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, देख सकते हो आप लोग, एक छोटी सी ट्रायंगल दिखाई दे रही है आपको, ए डेल्टा बोला जाता है जैसे इसको, ए डेल्टा बी, या फिर ऐसे बोलोगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट बी, ठीक है, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। तो वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन में बी माइनस ए, क्लियर है। फिर आगे हैं बेटा आपके सब इम्पोर्टेंट थ्योरम्स ऑन सेट ऑपरेशन, सेट ऑपरेशन की थ्योरम है, डी मॉर्गन लॉ है, ये जो कंसेप्ट है बेटा आपका ये हम क्लास में ही अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे बार बार पूछते हैं, तो वीडियो में ये चीज़ क्लियर नहीं होगी क्योंकि वीडियोज़ में मैं सिर्फ मैं बता रही हूँ, आप नहीं कुछ भी पूछ पाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ अब ये के लिए हम ड्रॉप करेंगे, जब हमारी क्लासेस लगेंगी स्कूल में हम तब करेंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो हमारा एक्सरसाइज में कंसेप्ट आएगा हम वो भी बाद में ही करेंगे, अभी के लिए हमने जितने ऑपरेशंस के मेन किए हम सिर्फ इतना ही पार्ट करेंगे। तो देखो अब लोग हम लोग एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, एक्सरसाइज है हमारी 1.3, देखिए ध्यान दें, एक्सरसाइज 1.3 हमारी, इसमें क्या कह रहा है ये, इफ़ ए इक्वल टू दे दिया इसने 1, 2, 3, 4, बी दे दिया 3, 4, 5, सी दे दिया 4, 5, 6, 4, 5, 7, 8, ए इंटरसेप्शन बी, ए और बी में, इंटरसेप्शन का मतलब क्या होता है कॉमन, पहले तीनों सेट्स को लिखोगे, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, फिर ए पार्ट लिखोगे, ए इंटरसेप्शन बी, ए और बी में कॉमन देखो क्या क्या है, 3 कॉमन है, 4 है, तो ए इंटरसेप्शन बी क्या आ जाएगा आपका, इस तरह करोगे ए इंटरसेप्शन बी आएगा आपका, हमने देखा कि इसके अंदर क्या क्या कॉमन है, 3 है और 4 है, तो क्या आएगा यहाँ पे 3, 4, ये आंसर कर सकते हैं। फिर अब बी इंटरसेप्शन सी, बी और सी में कॉमन, बी और सी में देख लो क्या क्या है, 4 है 5 है, तो बी और सी में इंटरसेप्शन 4, 5, बी माइनस सी, अब बी में से सी को माइनस करना है, तो ध्यान दो बी में से सी करना है, बी के एलिमेंट देखो 3, सी में है नहीं है, तो बी माइनस सी क्या आएगा आपका 3 आ गया। फिर देखो आगे बी का 4 उसमें है, है 5 है, है, तो सिर्फ अकेला क्या आ जाएगा 3 आंसर, ठीक है, बहुत आसान चीज़ें हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट, यूनियन करना है हमें, ए दे दिया बी दे दिया, तो यूनियन क्या आएगा, ए यूनियन बी, ए आ गया, ई आ गया, आई ओ यू ये लिख दिया, फिर देखा हमने ए आ चुका है, आई आ चुका है, यू आ चुका है, तो ए सेट ही आ जाएगा, ठीक है। फिर कहता है एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज बिटवीन 3 एंड 9, 3 से ग्रेटर है बट 9 के इक्वल भी और लेस भी, अब नेचुरल नंबर है तो कहाँ से क्या आएंगे यहाँ पे, ए सेट क्या बनेगा आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। बी कहता है एक्स इज ए नेचुरल नंबर बट एक्स इज ग्रेटर देन 10 लेस देन इक्वल टू, 10 से ग्रेटर है, 10 से ग्रेटर क्या आएगा 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, इनका यूनियन कर दो, यूनियन में पहले ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे फिर बी के आ जाएंगे सारे, ठीक है। फिर ए दे दिया बी 5 दे दिया, हमें पता है कि ए इंटरसेप्शन 5 ए यूनियन 5 इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, तो इनका यूनियन क्या आएगा 5, 10, 50 कर सकते हैं। ए है एक्स दे दिया 2n+1, एन बिलोंग टू जेड, जेड का मतलब होता है इंटीजर्स, बी दे दिया एक्स इक्वल टू 2n, एन बिलोंग टू जेड, ये भी इंटीजर्स, ध्यान दो 2n+1 किसको रिप्रेजेंट करता है, ओड नंबर को, और 2n किसको करता है, इवन नंबर को, सारे ओड इंटीजर और सारे इवन इंटीजर अगर सबको टोटल मिला दिया जाए यूनियन में तो सारे आएंगे, तो आपको क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा, तो ए यूनियन भी आपका सीधा क्या आएगा, जेड लिख देना, सारे के सारे इंटीजर, क्लियर है, कर सकते हैं। थर्ड आ गया है इफ ए इक्वल टू एक्स है, एक्स इक्वल टू 3n, n बिलोंग टू जेड, बी है आपका एक्स इक्वल टू 4n, n बिलोंग टू जेड, देन ए इंटरसेप्शन बी, अब यहाँ कॉमन निकालना है हमें, ठीक है, कॉमन में देखो ध्यान दो पहले इसने क्या दिया, इसने 3n लिखा, 3n का मतलब क्या है, 3 के मल्टीपल सारे के सारे, जेड तो कोई भी इंटीजर रख सकते हैं हम, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव वो कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ जेड दिया तो पॉजिटिव भी रख सकते हो नेगेटिव भी रख सकते हो, पर हैं तो 3 के मल्टीपल, बी में दे दिए सारे के सारे 4 के मल्टीपल, अब इनके कॉमन कौन से होंगे, कॉमन कैसे निकलते हैं, कॉमन तो जो 3 के भी होंगे और 4 के भी होंगे, जो दोनों से डिविजिबल होंगे,
या दोनों के मल्टीपल होंगे वही आएंगे। अब दोनों के कॉमन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 4 12, जो 12 के मल्टीपल होंगे वही क्या आएंगे आपके ए इंटरसेक्शन, क्योंकि 12 के मल्टीपल 3 से भी डिविजिबल होंगे और 4 से भी डिविजिबल होंगे। तो क्या आ जाएगा इसका ए इंटरसेप्शन बी में क्या लिख दोगे, इसी फॉर्म में लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स एक्स इक्वल टू 3 4 12 एन, वेयर एन बिलोंग टू जेड। कर लोगे जा। फोर्थ है लेट, यूनिवर्सल सेट दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, हमें निकालना है ए इंटरसेप्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इसको कैसे करोगे, हमें निकालना है ए इंटरसेप्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट सॉल्व करना है आपको। हम लिखेंगे पहले ए इंटरसेप्शन सी, ए इंटरसेप्शन सी में देखो ए और सी में कॉमन इंटरसेप्शन है तो कॉमन, ए और सी में क्या क्या कॉमन है देखना, 3 और 4। तो क्या कॉमन निकल लिख लोगे यहाँ पे 3 4, ठीक है। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट हमें पता क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस में ए इंटरसेप्शन सी। यूनिवर्सल में से इसको माइनस करते हैं, यूनिवर्सल दे रखा है आपको 1 से लेके 9 तक, ठीक है। तो क्या करोगे, 1 9 में से हमें किसे हटाना है, जो ए इंटरसेप्शन सी आया है, क्योंकि ए इंटरसेप्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो जो भी आपका आया है उनको घटा दो आप 1 9 में से। तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 छोड़ दो, 4 छोड़ दो, 5 6 7 8 9, क्लियर है। ये आ गया ए इंटरसेप्शन सी कॉम्प्लीमेंट। फिर आगे दे दिया बी इंटरसेप्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो बी और सी का कॉमन क्या है देखो, 3 नहीं है 4 है और 6, 4 और 6 दो कॉमन आ गए, तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसमें से 4 और 6 छोड़ के बाकी सारे डिजिट लिख देना। फिर है ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले क्या निकाल लोगे, ए माइनस सी निकाल लेंगे हम, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो उसके लिए पहले क्या निकालना होगा आपको, ए माइनस सी। अब देखो ए में से सी को माइनस करना है, तो ए में से वो एलिमेंट माइनस कर दो जो सी में है, 1 नहीं है 2 नहीं है 3 है 4 भी है, तो ए माइनस सी क्या आएगा आपका, 1 2 आ गया। फिर ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल माइनस में ए माइनस सी ये आएगा, तो यूनिवर्सल में से 1 2 छोड़ दो, तो क्या आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9। कर लेंगे सभी, बहुत आसान चीज़ें, अगर आपके कंसेप्ट माइंड में है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ दे दिया इसने, इफ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1 to 8, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, देन वेरीफाई दी फॉलोइंग, इन कंडीशंस को हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई देखो कैसे करोगे, वेरीफाई में सीधा सा फैक्ट होता है, हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी होती है, ठीक है। तो कोई भी एक पार्ट ले लो, सभी एक जैसे हैं, ठीक है। तो कौन सा करें, हम ये कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड यूनियन इंटरसेक्शन सभी आ रहे हैं, ठीक है। तो सी पार्ट करवा रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे लिख लो यूनिवर्सल सेट है, मैं सारे नोट कर लूँ एक बार, 1 2 3 4 5 7 8, ए दे दिया 1 2 3 4, बी दे दिया 3 4 6 एंड सी दे दिया 5 6 7 8। हमें वेरीफाई करना है ए यूनियन बी इंटरसेप्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेप्शन ए यूनियन सी। देखिए ये करना है आपको, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हमने लिए यहाँ लिखोगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेप्शन सी है, तो पहले क्या निकलेगा इसमें, बी यूनियन सी, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला निकलेगा, सॉरी इंटरसेप्शन है, यहाँ पे मैंने यूनियन लिख दी, बी इंटरसेप्शन सी, बी इंटरसेप्शन सी का मतलब है बी और सी में कॉमन। तो देखो बी और सी में क्या क्या कॉमन है, सिर्फ क्या है, एक 6 कॉमन है, ना 3 हो रहा है ना 4 हो रहा है मैच इसके साथ, 6 हो रहा है सिर्फ। तो इन बी इंटरसेप्शन सी क्या आ जाएगा आपका, 6। बी इंटरसेप्शन सी इक्वल टू 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन, ए का यूनियन करना है बी इंटरसेप्शन सी के साथ। तो पहले ए के एलिमेंट रखेंगे 1 2 3
और अब बी इंटरसेप्शन सी के, बी इंटरसेप्शन सी में क्या आ रहा है, सिक्स आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ गया, सिक्स। ठीक है, अब लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन। तो ए और बी के यूनियन, पहले मैंने ए के एलिमेंट रखे, ठीक है। आप देखो बी में थ्री आ चुका है, फोर आ चुका है, क्या बच गया आपका, सिक्स बच गया, तो क्या आएगा यहाँ पर, सिक्स। ठीक है, नेक्स्ट में दे दिया इसने ए यूनियन सी, तो अब क्या निकाल लोगे, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी में देखो ए के रखे पहले, वन टू थ्री फोर। सी में देखो, सी में दे रखा है इसने फाइव सिक्स सेवन एट, मतलब ए से कोई मैच नहीं कर रहा तो सारे आ जाएंगे, फाइव सिक्स सेवन एट आ गए। अब क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेप्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में कॉमन, कॉमन देखो अब क्या क्या है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, और क्या है, सिक्स आ गया। अब चेक करो क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, आ रही है, तो क्या लिख दोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ए यूनियन बी इंटरसेप्शन सी इक्वल टू क्या आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेप्शन ए यूनियन सी। क्लियर है, कर लोगे सभी, ठीक है। अगर सिक्स है, लेट ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ठीक है, तो इसमें से ए माइनस बी करना है, तो ए में से बी के एलिमेंट माइनस कर दो, जैसे कि क्या क्या है इसमें, ए में थ्री आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, ट्वेल्व है उसमें तो ट्वेल्व ड्रॉप हो जाएगा, फिफ्टीन आ जाएगा, एटीन आ जाएगा, ट्वेंटी वन आ जाएगा। फिर ऐसे ही ए माइनस सी, ए में से सी के तो थ्री आएगा, सिक्स है दोनों में, सिक्स कट जाएगा, ट्वेल्व है कट जाएगा, फिफ्टीन आ जाएगा, एटीन आ जाएगा, ट्वेंटी वन आ जाएगा। फिर सी माइनस है, सी में से ए के माइनस करने हैं तो टू आएगा, फोर आएगा, सिक्स कटेगा, एट आएगा, टेन आएगा, ट्वेल्व फिर कट जाएगा, फोर्टीन आ जाएगा और सिक्सटीन। कर लेंगे सभी। इसी तरह सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ, टेंथ तक आपको ट्राई करनी है, ठीक है। उसके बाद जो ये आपका वेन डायग्राम का कंसेप्ट है और जो ये ऑपरेशंस हैं, ये जो सारा पार्ट है वो हम क्लास में करेंगे जब हमारे स्कूल में क्लास स्टार्ट होंगी, ठीक है, ना कि वीडियो से करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ तक करना है आपको, टेंथ तक, तो इस एक्सरसाइज को हम टेंथ क्वेश्चन तक ही करेंगे, तो टेंथ तक ट्राई करने हैं आपको। फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो क्वेश्चन की पिक लो और व्हाट्सअप करो मुझे, ठीक है, थैंक यू।